मथुरा में वृंदावन कोतवाली की चौकी जैत के क्षेत्र में भैंस चराने खेत पर गए एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति का शव खेत के किनारे चक्रोड पर पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को गांव जैत निवासी 52 वर्षीय किसान हरि सिंह सुबह 7 बजे अपनी भैंसे चराने के लिए जैत शेरगढ़ रोड पर स्थित जैत माइनर से आगे खेतों की तरफ गया था। प्रातः 9 बजे अपने खेतों पर काम करने जा रहे किसानों ने हरि सिंह के शव को खून से लथपथ अवस्था में चक्रोड पर पड़ा हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना गांव में मृतक के परिजनों के अलावा जैत पुलिस को दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हरि सिंह का शव नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर केवल शर्ट थी, बाकी के कपड़े रास्ते में पड़े हुए थे। चप्पल और अंगोछा पास ही जगदीश डीलर के खेत में पड़ा हुआ मिला। हरि सिंह के सिर पर गंभीर चोटों के निशान भी थे। अधेड़ व्यक्ति की हत्या की सूचना पर एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा, सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी, एसओ वृंदावन संजीव दुबे के अलावा जैत चौकी प्रभारी नवीन कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी सिटी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हो सकता है कि हरि सिंह की मौत जानवरों के मारने से हुई हो। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन घटनास्थल को देखकर अभी हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। वहीं मृतक के पुत्र इंद्रजीत ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पिता की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज थाना वृंदावन में करवाई है। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। थाने के जेल चौकी के अंतर्गत जो जेल एजेंसी थी उसके पीछे आज सुबह एक डेड बॉडी की सूचना थी। मौके पर पुलिस आई और पूरा उसको देखा गया है तो डेड बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। उसके अब्रेशन और ब्रूसेस के निशान है। लग रहा है कि प्रथम दृष्टया की किसी चीज़ से जो साथ में वो भैंस लेके आए तो उससे उनको घिसा गया हो, लेकिन जो मर्डर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अभी डेड बॉडी को पीएम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है और जो इनके घर वाले हैं जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मृतक का नाम क्या बताया जा रहा है, कहाँ का निवासी मृतक? मृतक का नाम हरि सिंह है, ये जैत के निवासी हैं और यहीं पे इनका खेत है। वो डेली यहाँ पर अपनी भैंसों को चराने के लिए आया करते थे, जैसा उनके घर वालों ने बताया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.